नका है। हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए और एक न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग वायरल स्टेटस वीडियो लेके आ चुका हूं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। सो इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यार, अभी समय इस टाइप का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और अभी ट्रेंड पर चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स में। अगर आपको वो क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और यार, इस वीडियो में हम दो एप्लीकेशन से वीडियो क्रिएट करेंगे, सबसे पहले इनशॉट और दूसरा जो है वीएन। अगर आप लोग इनशॉट यूजर हो तो इनशॉट आपसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो, अगर आप लोग वीएन यूजर हो तो वीएन एप्लीकेशन से वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों एप्लीकेशन से आप लोग को वीडियो क्रिएट करना सिखाएंगे, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा आपको लगा और एक लाइक कर देना। सो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनशॉट एप्लीकेशन से वीडियो क्रिएट करेंगे, तो देख सकते हैं इनशॉट ऐप को मैंने ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद कुछ स्टेप के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे और तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो, फोटो एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपको ये 8 सेकंड का इंटर वीडियो को ऐड कर लेना है। देन आपको फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर टोटल 4 फोटो को कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने देख सकते हो मैं इंटर वीडियो देन यहाँ पर 4 फोटो सब कुछ ऐड कर लिया हूँ, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। करने के बाद अब क्या करना है, वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आना है। आने के बाद अब यहाँ पे आप सॉन्ग को ऐड करना है। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऊपर में म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस वाला आइकन में जाकर माय म्यूजिक में जाना है और यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। एंड यार, इस वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज होगा सब कर लेंगे, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे सॉन्ग ऐड कर लिया हूँ। सॉन्ग ऐड करने के बाद अब क्या करना है, आपको पहला वाला फोटो में कुछ इस तरह से आना है और सब फोटो को आपको अब बारे बार से एक एक करके सेट कर लेने हैं 9:16 वाला रेशियो में। तो ऊपर में आपको कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और आपको 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करके आपको ये जो एरो मिलेगा आपको इस तरह से 50 करके फोटो को कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। देन आपको सेकंड फोटो में आना है और सब फोटो को कुछ इस तरह से बारे बारे से सेट कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने ये सब फोटो को सेट कर लिया हूँ, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। एंड अब क्या करना है, आपको फोटो का जो ड्यूरेशन है अब आपको यहाँ पे सेट कर लेना है एक एक करके, ठीक है। तो पहला वाला फोटो में कुछ इस तरह से आना है और पहला वाला फोटो का ड्यूरेशन आपको 1.9 सेकंड में रख लेना है। तो ऊपर में आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके ड्यूरेशन वाला ऑप्शन में जाना है और आपको पहला वाला फोटो का ड्यूरेशन आपको 1.9 सेकंड में कर लेना है। सेकंड वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन आपको 1.7 सेकंड में कर लेना है। तो ड्यूरेशन वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको 1.7 सेकंड में कर लेना है सेकंड वाला फोटो का ड्यूरेशन। देन थर्ड वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन आपको 1.6 सेकंड में कर लेना है, ठीक है। और लास्ट वाला फोटो का ड्यूरेशन आपको 1.6 सेकंड में कर लेना है। देख सकते हो मेरा फोटो का ड्यूरेशन भी सेट हो चुका है, तो इस तरह से आपको कर लेने। करने के बाद अब क्या करना है, आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और फोटो को हल्का सा एडजस्टमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। एडजस्ट वाला ऑप्शन जाकर सबसे पहले लाइटनेस को हल्का सा घटा लेना है, -10 में कर लेना है। और यहाँ पे आपको सैचुरेशन वाला ऑप्शन जाकर सैचुरेशन को +5 में कर लेना है, ओके। और यहाँ पे आपको बिगनेट वाला ऑप्शन जाना है और बिगनेट को +50 में कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरा हो चुका है। आफ्टर एंड बिफोर का फोटो देख सकते हो, तो अभी का फोटो सही लग रहा है पहले से। देन डबल टिक वाला ऑप्शन में क्लिक करके अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लेने। तो जितना भी फोटो मैंने ऐड किया सब फोटो कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाएगा। देन आपको टिक वाला ऑप्शन में टिक करके एंड अब क्या करना, आपको फोटो में एनिमेशन ऐड करना है, ठीक है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, एनिमेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। और आपको कॉम्बो वाला ऑप्शन जाकर फर्स्ट वाला फोटो में आपको स्विंग एल वाला एनिमेशन को ऐड कर लेना है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेने और सेकंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, एनिमेशन वाला ऑप्शन जाकर कॉम्बो वाला ऑप्शन जाना है और सेकंड फोटो में आपको यहाँ पे स्विंग आर्म एनिमेशन को ऐड कर लेना है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके थर्ड नंबर वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसका जो है एनिमेशन आपको यहाँ पे थ्रो जूम वाला एनिमेशन को ऐड कर लेना है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके लास्ट वाला फोटो में आ जाना है और लास्ट वाला फोटो में भी आपको यहाँ पे थ्रो जूम वाला एनिमेशन को ही ऐड कर लेना है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोटो में एनिमेशन भी ऐड कर लिया, तो इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद अब क्या करना है, आपको फोटो के ऊपर आपको यहाँ पे एक वाइट इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे पहला वाला फोटो में आना है कुछ इस तरह से, जहाँ से पहला फोटो स्टार्टिंग है यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और इफेक्ट वाला ऑप्शन जाकर बीट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वाइट इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और स्ट्रेंथ को एकदम हाई कर लेना, मतलब फुल कर लेना है और इंटरवल को भी एकदम फुल कर लेना है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके इफेक्ट का जो ड्यूरेशन है हल्का सा आपको घटा लेना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक वाइट इफेक्ट आ जाएगा कुछ इस तरह से फोटो के ऊपर।
कुछ इस तरह से आपको कर लेने, करने के बाद ये इफेक्ट को आपको 3 बार कॉपी कर लेने कुछ इस तरह से, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट कर लेने और एक एक करके इस तरह से आपको फोटो के ऊपर में सेट कर लेने। देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया हूँ, तो इस तरह से आपको भी कर लेने। करने के बाद यहाँ पर आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक करके वीडियो को एकदम आपको फास्ट पे आना है। आने के बाद देख सकते हो फाइनली यार मेरा वीडियो कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बार हम क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। मैं आऊं क्या? देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंसर्ट एप्लीकेशन से वीडियो क्रिएट करना सिखा दिए हैं। अब बारी अब भी एप्लीकेशन का, तो वीडियो को सबसे पहले सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप वीडियो को सेव कर सकते हो। तो चलिए हम भी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो भी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके फोन में भी एप्लीकेशन और इंसर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ लीजिए, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद नीचे में प्लस वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपको ये 8 सेकंड का इंटर वीडियो को ऐड कर लेना है। देन आपको फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको 4 फोटो को इस तरह से ऐड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया हूँ इंटर वीडियो, देन यहाँ पे 4 फोटो दोनों ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद वीडियो के एकदम लास्ट पे जाना है। लास्ट पे जाने के बाद वीएन आपको वाटर मार्क देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको डिलीट कर लेना है, ठीक है। एंड अब क्या करना, आपको वीडियो को एकदम आपको फर्स्ट पे आना है। आने के बाद यहाँ पे अब आपको सॉन्ग ऐड करना है। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए ऊपर में टैप टू ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। म्यूजिक वाला ऑप्शन जाकर माय म्यूजिक में जाना है और यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो यूज वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो देख सकते मैंने यहाँ पे सॉन्ग को ऐड कर लिया हूँ, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। करने के बाद अब क्या करना है, आपको सॉन्ग के ऊपर आपको बीट मार्क ऐड कर लेना है। तो सॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर आपको बीट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और ऊपर में टाइमर देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, वही टाइमिंग को देखना है और बीट मार्क को आपको ऐड कर लेना है। तो पहला जो टाइमिंग है 8.41 है, तब यहाँ पे 8.41 में चल जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको झंडा वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करके एक बीट मार्क मेरा ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपको सेकंड जो बीट मार्क का देख लेना है 10.44 है, तो आपको 10.44 में चल जाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर झंडा वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करके सेकंड बीट मार्क को ऐड कर लेना है। थर्ड वाला टाइमिंग देख सकते हो कितना है, 12.29 है, तो आपको 12.29 में चल जाना है कुछ इस तरह से, और झंडे वाला आइकन मिलेगा, क्लिक करना है। तो देख सकते हो तीसरा बीट मार्क मेरा ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सब बीट मार्क को ऐड कर लेना है एक एक करके कुछ इस तरह से। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेने। तो देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग के ऊपर कुछ इस तरह से एरो आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट एरो को छोड़कर आपको सेकंड एरो के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, और इसका अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो को सेट कर लेने। देन आपको थर्ड जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है और सेकंड फोटो का ड्यूरेशन को इस तरह से आपको घटा लेने, ठीक है। मतलब ये एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो को सेट कर लेने। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा 4 फोटो को सेट कर लिया, तो इस तरह से आपको भी कर लेने, ओके। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे फोटो को एडजस्टमेंट कर लेना है। तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है और नीचे में यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है, एडजस्ट वाला ऑप्शन जाना है और सबसे पहले लाइटनेस को मतलब एक्सपोजर को माइनस करना है, -20 कर लेना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे सैचुरेशन को +10 में कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको विग्नेट को 30 या फिर 40 में कर लेना है। देन डबल टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। तो देख सकते हो पूरा फोटो में कुछ इस तरह से मतलब 4 फोटो में एडजस्टमेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो आपको कर लेना है। करने के बाद अब क्या करना है, आपको फोटो में एनिमेशन ऐड करना है, मतलब एफेक्ट्स ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और नीचे में एफेक्ट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। और अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे में बहुत सारा एफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है। तो फर्स्ट वाला फोटो में आपको यहाँ पे जूम आउट वाला एफेक्ट्स को ऐड कर लेना है, मतलब एनिमेशन को, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन को एकदम आपको लॉन्ग कर लेना है। देन सेकंड फोटो में आना है कुछ इस तरह से, तो ये एरो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो सेकंड फोटो आ जाएगा। देन सेकंड फोटो में भी आपको यही एनिमेशन को ऐड कर लेना है, जूम आउट वाला, ठीक है, और ड्यूरेशन को एकदम लॉन्ग कर लेना है। देन आपको थर्ड फोटो में आ जाना है कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे थर्ड फोटो में आपको यहाँ पे जिटर डाउन वाला देख सकते हैं, यहाँ पे जिटर डाउन वाला एक एनिमेशन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इस एनिमेशन को ऐड कर लेना है। देन आपको लास्ट वाला फोटो में आ जाना है कुछ इस तरह से, और लास्ट वाला फोटो में भी आपको ये जिटर डाउन वाला एफेक्ट्स को ऐड कर लेना है। देख सकते मैंने यहाँ पे एनिमेशन भी ऐड कर लिया हूँ फोटो में। देन आपको टिक वाला ऑप्शन का टिक कर लेना। एंड अब बाकी यहाँ पे व्हाइट इफेक्ट ऐड कर लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लस वाला आइकन मिलेगा, देख सकते हैं फोटो के जस्ट आगे में
कुछ इस तरह से प्लस वाला आइकॉन मिलेगा, इसके पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं एक वाइट इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, इसके पर क्लिक करना है और ये इफेक्ट का ड्यूरेशन आपको 0.5 सेकंड में रख लेना है, ठीक है कुछ इस तरह से। देन आपको डबल टिक वाला ऑप्शन मिलेगा नीचे में, अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन में प्रेस कर लेना है, सब प्लस वाला आइकन में कुछ इस तरह से वाइट इफेक्ट ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना, करने के बाद अब क्या करना, वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट फैन है आने के बाद, चलिए एक बार वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा वीडियो कैसा बना है। तो देख सकते हो मेरा जो वीडियो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। तो मैंने आपको इंसॉर्ट एप्लीकेशन और भेन एप्लीकेशन दोनों एप्लीकेशन से वीडियो क्रिएट करना सिखा दिए। सो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक भी कर लेना, साथ में चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड अब क्या करना वीडियो को सेव करना है, सेव करने के ऊपर में ओरिजिनल वाला ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है 9:16 वाले रेशियो में कर लेना है और ये जो ब्लू जैसा आइकन मिलेगा डाउनलोड जैसा इसके ऊपर क्लिक करना है और वीडियो को इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो यस थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।